रूम होने के साथ ही पुलिस का एंटी डकैत सेल सरगर्म हो जाता है और रात के अंधेरे में शाहराहों और हसास इलाकों में गश्त शुरू कर देता है। इस सेल ने वारदातों को रोकने में कुछ किरदार जरूर अदा किया, जिसमें कई अहलकार जान बाहक भी हुए, लेकिन इसके भी खातिर ख्वाह नतज बरामद नहीं हुए। ये बेसिकली कच्चे का एरिया है, हमारे जो पीछे फॉरेस्ट है, शरीफपुर फॉरेस्ट हम उसको कहते हैं, और यहाँ पिछले दिनों हमने ऑपरेशन किया था यहाँ पे। तो यहाँ पे इस जगह पे कुछ डेकर्स की मूवमेंट होती है अक्सर, क्योंकि आगे फिर कोई 3 किलोमीटर फासले पे दरिया शुरू हो जाता है, दरिया के उस पार खैर पर है। ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये बेसिकली दिस इज स्पेशल टीम, एंटी डेकर स्पेशल टीम है। आप इनके देखेंगे होलिया जो है, ये आपको डेकोरेट से लगाएंगे, ये हमने जानबूझ के इनके लिए इस तरह बनाए हुए हैं ताकि डेकोरेट्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूश ना कर सकें इनमें कि पुलिस वाले हैं या डेकोरेशन। इनके जो आप बेल्ट देखेंगे क्लैशन कोर्स के, वो भी इसी तरह बने हुए जिस तरह डेकोरेट्स के बने होते हैं। डाकुओं की पास सियासतदानों की जानब से उस पनाही के हवाले से कई बार वजीर दाखिला जुल्फिकार मिर्जा से रब्ता करने की कोशिश की गई, लेकिन हर बार इनके अमले की जानब से हमें बताया गया कि वो शहर से बाहर या फिर अभी दफ्तर में नहीं है। लेकिन इस बारे में हुकूमती मौकफ तो जरूर चाहिए था, और हमने रब्ता किया सूबाई वजीर इत्तलात सिंध शाजिया मरी से और इनसे पूछा कि अमूल सिंध में अगवा बराए तावान की बढ़ती हुई वारदातों पर काबू पाने के लिए हुकूमत सिंध क्या कर रही है। यकीनन ये क्रिमिनल एक्टिविटी है जिस पर काबू पाना बहुत जरूरी है, और जब मौजूदा सिंध हुकूमत को रिस्पांसिबिलिटी मिली थी तो ये वाजे किया गया था कि लॉ एंड ऑर्डर हमारी प्रायोरिटी रहेगी, और आज भी हम इस बात को दोहरा रहे हैं और दोहराते रहेंगे जब तक कि मुकम्मल लॉ एंड ऑर्डर पर कंट्रोल नहीं होता। ये चंद माह की बात नहीं है, एक तो लॉ एंड ऑर्डर पर कंट्रोल और उसके बाद उसकी सस्टेनेबिलिटी भी इंश्योर करनी है। इसमें कोई शक नहीं है कि क्राइम रेट का जीरो नहीं हुआ है, लेकिन उसमें कदरन बेहतरी आई है, और अभी भी कुछ ऐसी कार्रवाइयां हैं या कुछ ऐसा क्रिमिनल एलिमेंट है जिस पर काबू पाना जरूरी है, और हुकूमत इस पर गौर भी कर रही है। बिलखसूस होम डिपार्टमेंट इस पर काफी काम कर रहा है, ना सिर्फ इंटरनल स्ट्रक्चर को मजबूत कर रहा है टू एंश्योर कि उसकी परफॉर्मेंस बेहतरीन हो, बल्कि जहां जहां ऑपरेशन की जरूरत है वहां वहां ऑपरेशन भी किए जा रहे हैं। शहरों के अलावा छोटे गांव और देहातों में आबाद है। सिंधी रिवायत के मुताबिक देहात में रहने वाले एक दूसरे के दुख दर्द में गोया ऐसे शामिल होते हैं जैसे वो दुख गम इन्हीं का हो। इन देहात में रहने वालों का आम जरिया माश काश्तकारी है, यही इनकी जिंदगी की बका का जरिया भी है। सख्त मेहनत के बाद अपनी जिंदगी पर काश्त होने वाली फसल के जरिए वो ना सिर्फ अपने घर वालों का पेट पालते हैं, बल्कि वो इस तरह मुल्क की खिदमत भी करते हैं। शायद यही वजह है कि ये लोग अपनी जमीन को माँ का दर्जा देते हैं, और अगर जमीन जरखेज और दरियाई हो तो क्या ही बात है। और इसी जमीन पर हमेशा से जमीन के असल मालिक के बजाय दूसरे लोगों की ज्यादा नजर होती है। इसी लालच की वजह से जमीन पर कब्जा इन इलाकों में झगड़े की सबसे बड़ी और बुनियादी वजह बनती है। यही सबब है जिनकी वजह से एक आम आदमी डाकू बनकर आवाम और हुकूमत के लिए दर्दे सर बन जाता है। ये ना तो खुद इनके लिए अच्छा है और ना ही सिंध धरती के लिए। आवाम का कहना है कि ये मसाइल इतने बड़े मसले हैं कि शायद इनका हल होना नामुमकिन ही दिखाई देता है।